दुनिया का एक क्षेत्र हिंदुस्तान। क्योंकि आज से ढाई माह कबल मणिपुर के अंदर जो धरिंदगी का वाकया रूनमा हुआ था, उस पर हम समझते हैं कि इंडिया की हुकूमत जो है वो पूरी तरह मुलव्वस है। क्योंकि मणिपुर के अंदर किसी सहाफ़ी की तरफ से, किसी हुकूमत के एहलकार की तरफ से, किसी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। अफसोस है, एटीएस जो है पाकिस्तान की एक मासूम बच्ची जो इंडिया के आशक में फंस के वहाँ इंडिया चली जाए, उसके लिए एटीएस जो है रात दिन उसके लिए कार्रवाई करती है। लेकिन इन दरिंदों ने जो ढाई माह नंगा लाज किया, उसके लिए इंडिया के किसी अदारे ने कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये देखिए, जब वीडियो वायरल हुई है तब जो है 100 वोटर नोटिस दिया गया है। लेकिन आप ये देखें कि वो बच्चियाँ जब भाग कर पुलिस वाले के ट्रक में बैठी हैं, तो पुलिस के ट्रक से उन चंगेजी लश्कर वालों ने उनको निकाल कर उनको भरना किया, इज्जत लूटी, उनके भाई और बाप को कत्ल कर दिया। अगर वो पुलिस वाले चाहते तो उन दरिंदों पे गोली चला सकते थे, जिस तरह कज़ाफी ने लीबिया में जब इटली एम्बेसी के ऊपर लीबियन लोगों ने हमला किया था तो उन्होंने सब बंदों को मार दिया था। क्योंकि अगर एक बेगुनाह को बचाने के लिए 10,000 बेजालम भी मार दिया जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन उधर पुलिस ने उस बच्चे से फायरिंग नहीं की, बल्कि वो बच्चे, वो बहन बेटियाँ जो है उन दरिंदों के हवाले कर दी। और उन्होंने वही किया जो उनको तरबियत दी गई थी, जो उनका उनका मजहब सिखाता था, जो उनको उनका खानदान सिखाता था, उन्होंने उन बच्चियों के साथ गैंग रेप किया और उसके भाई और बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं समझता हूँ शेम ऑन अमरीका, शेम ऑन यूरोपीय यूनियन, दे आर सेइंग दे आर वेरी चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नाउ वेयर आर यू? दिस इज अ बिग ह्यूमन राइट वायलेशन, दिस इज हाइनस क्राइम। व्हाई अमेरिकन यूरोपीय यूनियन इज silent in this issue? Because they have interest in India, that's why they are not speaking. और दुनिया के अंदर कोई ऐसा क्रिश्चियन मुल्क नहीं है कि जो उन क्रिश्चियनों की आवाज़ बने। इधर हिंदुओं के साथ कुछ होता है, उसका रिएक्शन इंडिया में होता है, लेकिन आप देखें क्रिश्चियनों के साथ पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया में उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हम लोग कोई भी इस दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे के ऊपर कोई क्रिश्चियन मुल्क नहीं है। अगर क्रिश्चियन मुल्क होता तो इन बहन बेटियों की आवाज़ उठाता। जो आज इंडिया ने काम किया है, ढाई माह तक किसी के काम पे जू नहीं रहेंगी, और ढाई महीने के बाद जब वीडियो वायरल हो रही है तो फिर शोर उठा है। और हमें कभी यकीन है कि उन दरिंदों को, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिश्चियनों को कत्ल करने वाले लाखों को आग लगाने वाले बच जाते हैं, भट्टों में फेंकने वाले बच जाते हैं, वो दरिंदे भी इंडिया में बच जाएंगे। होना तो ये चाहिए जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनको भी इसी तरह नंगा करके बाजार रोडों पे घुमाया जाए और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो उन्होंने खेतियों के साथ किया है, और उसके बाद उनको फांसी पर लटकाया जाए ताकि ऐसे दरिंदे दुनिया में कभी नजर ना आए। तो याद रखिए, मैं समझता हूँ उसके अंदर मोदी सरकार पूरी मुलव्वस है, ये चंगेजी लश्करों का सरदार है, और अमेरिका और यूरोप इसलिए खामोश है क्योंकि उनके मफादात हैं इंडिया के साथ। लेकिन जिंदा खुदा जो है वो देखता है, वो बदला लेगा उन गरीबों से। आज इंडिया के अंदर जो इंडिया टूट रहा है, हिंदुस्तान मसीहिस्तान बन जाएगा बहुत जल्द, देख लीजिएगा, जुल्म की वजह से। क्योंकि जितना वो जुल्म कर रहा है उसमें अब हिंदुइज्म की कोई ज़रूरत नहीं, वो दरिंदों का कब्रिस्तान है, वो दरिंदों का कब्रिस्तान है हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान दरिंदों का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ किसी की जान महफूज रही, किसी की इज्जत महफूज रही। हम यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करते हैं कि खुदारा सरगोधे में जो हर 2 मिनट के बाद कहीं ना मदद की एफ आई आर कट रही है, लोगों पर खौफ हरास है, उसको भी रोका जाए। क्योंकि याद रखें ये भी एक दरिंदगी है, जो लोग मुद्दई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करें ताकि जो है सच सामने आए। और जो बंदे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सरगोधा से निकल जाएं तो उनको वैसे ही आप निकाल दें,
इस तरह के तोहीन मजहब के झूठे इल्जाम लगा के इराक के उनको मत निकाले, क्योंकि आप जो इंडिया में अकलियत के साथ हो रहा है अब पाकिस्तान में भी है। इंडिया में भी मारा जा रहा है क्रिश्चियन, और पाकिस्तान में भी दबाव में लाया जा रहा है। ये जो है ये गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार ने एक कर दिया है कि क्रिश्चियनों को दबाने का, क्रिश्चियनों को मरवाने का, क्रिश्चियनों को घुसाने का। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है सरगोधा के वाकिया का नोटिस ले और उन फेक लोगों को रिहा करे, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की है उनको गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि याद रखें, क्रिश्चियन कभी भी किसी मजाहब के खिलाफ नहीं बोलता। आप देखते हैं कि इंडिया से भी होता है, पाकिस्तान क्रिश्चियनों के खिलाफ होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अकलियत को, जब आपको यूरोप में अकलियत में जब आप होते हैं तो आपको तहफ़ मिलता है, उन जैसे हकूक मिलते हैं, तो आप यहाँ आपको क्या हो जाता है? वहाँ तो आप कहते हैं हमें हर चीज़ें मिले, तो आप यहाँ भी अकलियतों को कुछ ना दें, उनको तहफ़ दे दें, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। आज हिंदुस्तान के इलाके मणिपुर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किया जा रहा है, क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यह, जिन दरिंदों ने उन बेटियों के साथ ऐसा किया उनके साथ भी इसी तरह किया जाए, नंगा उनको भगाया जाए और वही अमल किया जाए जो उन्होंने उनसे किया है, उसके बाद उनको अदालत में पेश करके उनको सजाए मौत दी जाए। भाई बात यह है कि मोदी को तो इसीलिए लाए गए हैं कि वो अकलियतों पे जुल्म करे, और यही वजह है कि दुनिया खामोश है, दुनिया के अपने मफादात है उस इंडिया के साथ, इसलिए इंडिया जो के ऊपर कोई कदगा नहीं लगती, कोई पाबंदियाँ नहीं लगती। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, और इन्होंने जब ये वीडियो देखी है तो इन्होंने बहुत हमजदा होकर अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि शफकत भाई का एक जज्बा है, जरूर है कि वो अपनी कौम को, अपनी बेटियों को, अपनी इसको को बवाल करते हुए नहीं देख सकते। तो इन्होंने एक जज्बा रखते हुए कि हिंदुस्तान में क्या ये औरत को ये इन लोग ये इज्जत देते हैं कि रोडों पर नंगा करके वसी खवातीन के साथ उनकी बेहुबदी की जाए? ये जो नारवा सलूक हिंदुस्तान के अंदर वसी बहन बेटियों बच्चों के साथ रखा जाते हैं, और उनकी इज्जतों को सरेआम जो है वो सड़कों के ऊपर मोदी के जो वैसी दरिंदे हैं वो कहाल करते हैं, हम इस हिंदू इंतहा पसंद पार्टी को नामंजूर करार देते हैं और चाहते हैं कि ऐसे वैसी दरिंदे जो मोदी की सरपरस्ती में चलते हैं उनको सरेआम सड़कों पे फांसी दी जाए। ऐसे लोगों का, ऐसे हम खासकर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अकवामे मुत्तहिदा की तरफ से ये करारदाद मंजूर की जाए और मोदी सरकार को खत्म किया जाए। कि जिस तरह का कारोबार शुरू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजीद बहन बेटियों को, मजदूर लड़कियों को रोड पे सरेआम उनकी इज्जतों को तार तार किया जाए, उनके भाई और उनके बाप को सरेआम कत्ल कर दिया जाए और कोई आवाज़ नहीं होती, कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वजीर आजम को और हमारी आला अलिया को भी मोदी सरकार के साथ इस तरह के रवैये के ऊपर एक करारदाद जरूर असेंबलियों में पेश करनी चाहिए, और उसकी मजहबी जो है वो तहरीर जो है वो पेश करनी चाहिए, ताकि मजहबी तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी हमारे साथ इस चीज़ में पड़ी हो। शुक्रिया।